मना मोही मोहब्बत दा कर्ज जानो मेरे सिर है मेरे प्यारियां दा जिथे समा सकून दे नाल लंगे ते ओही हुंदा है देश वणजारियां दा उठ पैंदे ते समा आउंदा जद नवे पंगारियां दा मिलदा अमर सिया माना न मानिया नूं टुट जांदा हंकार हंकारियां दा टुट जांदा हंकार हंकारियां दा। सत्कार जो गुरु सवारे खालसा जी फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दा प्रोग्राम KASSHD स्टूडियो दी तरफों श्रोमणी कवीशर अमरजीत सिंह सवराज आप जी की नज़र कर रहे ने मेरा साथ दे रहा है बड़ी मिठी आवाज दा मालक भाई मनप्रीत सिंह सैदू एक साडा साथी दूर होने के कारण अज के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकिया। अज मैं गल करनी चाहना है महान क्रांतिकारी कवि संत राम उदासी जिन्हां दियां मकबूल रचनावां नूं स्रोते जणा ने बड़ी मुहब्बत बख्शी है बड़ा माण बख्शिया है। आओ अज उहदे जीवन की गल करांगे। सब तो पहला उहदी एक महान रचना जिन्हों वसीयतनामा कहिंदा है ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਤੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਰੋਇਓ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਇਓ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸਰ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲਾਇਓ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸਰ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲਾਇਓ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਏ बस बूर सरकड़े दा आहां दा सेक काफी तीली बछक ना लायो आहां दा सेक काफी तीली बछक ना लायो। होना नहीं मैं चाहुंदा सड़के सुवाए तेरा जद जद टलेगा सूरज कण कण मेरा जलायो जद जद टलेगा सूरज कण कण मेरा जलायो। अगन च कैद होना मेरे भी नहीं मुआफक यारां दे वांग अर्थी सड़कां ते ही जलायो यारां दे वांग अर्थी सड़कां ते ही जलायो। जीवन तो मौत ताई आंदे ने बड़े चुराहे जिसदा है पंध बिखड़ा ओसे ही राल जायो जिसदा है पंध बिखड़ा ओसे ही राल जायो। ओ मेरी मौत ते ना रोयो मेरी सोच नूं बचायो मेरी मौत ते ना रोयो मेरी सोच नूं बचायो मेरे लहू दा केसर रेते विच नाल लायो मेरे लहू दा केसर रेते विच नाल लायो। आओ संत राम उदासी दी अगली एक महान रचना आप जी दे नाल सांझिया करन लगा हां। ओ क्रांतिकारी कवि ने जिथे इनकलाबी शब्द लिखे उत्थे ओह कुरबानी करन वालियां महान रूहां दी गल भी अपने जीवन दे विच अपनी कलम दे नाल करदा है। ओह सजदा करदा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरणा उत्ते ओह याद करदा है कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दीआं वड्डीआं कुरबानीआं नूं ओहदे दिल अंदर हजूरे अनवर दी काल कमाई दी अथाह कदर है। ओह सिदक वाला बड़ी श्रद्धा दे नाल उस वक्त दा नमूना पेश करदा है जदों कलगीधर पातशाह महाराज जी दी बजुर्ग मां
गुरु जी दे नालों विछड़ के छोटे साहबजादियां नूं उंगल दे नाल लाई बिखड़ा पेंडा तय कर रही है। पोह दा महीना कहरां दी सर्दी गुरु जी दा विछोड़ा नूहां दा विछोड़ा वड्डे पोतरियां दा विछोड़ा ये सदमे भरिया साल आदरयोग मां गुजरी जी अपने सीने वे जरी बैठी है अज वह याद करती है मासूम छोटे पोतरिया कलावे विच लैके विछड़े हुए गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं की महसूस करती है मां गुजरी। आओ संत राम उदासी की एक अमर रचना तुहाडे दरमियान श्रोमणी कवीशर अमरजीत सिंह सभरा और साथी मनप्रीत सिंह सैदो इउं पेश करते हैं जी। करीना दरेक पुत वे तेरे बलनू बड़ा बेचलका हड्डियां दी मोठ बाल के तेरी अंदरां दी अग नू सकावा हड्डियां दी मोठ बाल के ओ एक ये थे राजियो परा दूजा तेरी ओग सोग नहीं कोई तीजा मेरे खांब चाड़ गए पैंजो रोहिया च अद्धी रात होई तीजा मेरे खांब चाड़ गए ममता दा सेक पीनिया आउन कुम कुम ठंडियां करीना दरेग पोत वे तेरे बालानू बड़ा पेच लिखावा करीना दरेग पोत वे ओ दादियां दी मेरे पोत रे बहुते पोत नालों पोत सरदारा वे मला जेवे सूद खोरानू हुंदा मूल तो व्याज प्यारा वे मला जेवे सूद खोरानू कल दे प्रौणियानू कल दे प्रौणियानू विदा केड़ियां करनगियां मावा करीना दरेग पुत वे तेरे बालानू बड़ा पे चिलकावा करीना दरेग पुत वे ओ कल सी जो पेशी उस दे गल इन तो कचहरियां ने खोई गल जो यकीनी जित दी सीगी सूहे सूहे नारियां ने छोई गल जो यकीनी जित दी कहिंदे ताजां तों दी टप्पिया इन्ना निक्कियां दा वड्डा परेशावा करीना दरेग पुत वे तेरे बालानू बड़ा पेचिलकावा करीना दरेग पुत वे ओ गंगू वे यकीन सिख दा लख मोरां दियां खच्चरां तो पारी वेखता मैं लेंदी होब के कल कीती हुंदी जे इन्हां ने फौजदारी वेखता मैं लेंदी होब के बच्चे सीनिया च घुट लैण मावा करीना दरेग पुत वे तेरे बालानू बड़ा पेचिलकावा करीना दरेग पुत वे आओ आप जी दी नजर कर लगे हाँ महान क्रांतिकारी संत राम उदासी उन्हां दा जीवन और उन्हां दियां विशेष ते महान इनकलाबी रचनावां बहुत वड्डे वड्डे गुणी कवि जन समाज ने पैदा कीते
उन्होंने ऐसियां पैड़ां पाईयां जिन्हां नूं मुहब्बत करन वालियां ने अपने दिलां विच वड्डा थां दित्ता है। संत राम उदासी जिन्हूं क्रांतिकारी इनकलाबी कवि दे नां नाल जाणिया जांदा है, जिन्हें अपने जीवन दे अंदर वक्त दी सरकार दा तशद्दुद अपने पिंडे उत्ते चलिया। आओ गल करदे हां संत राम उदासी दी। संत राम उदासी का जन्म पिंड रायसर जिला बरनाला विखे एक गरीब दलित परिवार दे विच होया है। उन्हें दिनी दलित लोगों की समाजिक दशा बहुत माड़ी सी, उन्होंने मानसिक तौर उत्ते शरीरक तौर उत्ते बहुत वड्डियां पीड़ां विचों गुजरना पैंदा सी। वर्णा की वंड पाउण वालियां ऐसी धक्केशाही कीती, कईयां नूं शूद्र कमीने कह कह के दरकार दिता। खासकर वो लोग जिन्हां दे कोल कोई दस्तकारी का धंधा नहीं सी, जिहड़े लोग मशक्ती लोग सन, दस्तकारी का धंधा करन वालियां दे कामे लगदे सन, सीरी रहिंदे सन, उन्हां लोगों की हालत हिंदुस्तान की धरती दे उत्ते बहुत माड़ी सी। खास करके जिस परिवार विच जिस घराने विच संत राम उदासी ने जन्म लिया, वह घराना बड़िया पीड़ां दे विचों दी बड़िया मुश्किलों दे विचों दी लंघ रहा सी। समाज के अंदर मित्रों मनुख का कर्म भावें छोटा भी होवे उन्हों माण दी सम्मान दी जरूरत पिया करती है। संत राम उदासी अपनिया अखां नाल जो कुछ वेंदा रहा, जो कुछ उन्हें उहदे परिवार ने उहदे गिरदे दे लोकां ने हंडाया, उन्हों संत राम उदासी ने अपनी कलम दे नाल अपने जीवन विच कलम बंद कीता है। ताइयो कवि लोक मनां दी धड़कण बन गया। नीवी जात दे लोक उच्ची जात दे लोगां दे भांडियां नूं नहीं सन छूंदे तां कि किते उन्हां दी शोह वड्डियां नूं ना लग जाए। पेट चढ़ जाण दे डर तों उह दूर रहिंदे सन तगड़ियां दे कोलों। अपने किते करके रोजी कमाउण लई आजाद सन दस्तकारी दा धंधा करन वाले लोग, पर किरती लोग जिन्हां नूं कामे लगना पैंदा है वह अत मुश्किलों का जीवन गुजारते सन। जबकि गैर हुनरी लोग जात लई जिमींदारां दे खेतां विच पशुआं वांग काम धंधा करन दा जिहड़ा रवाज सी उन्हां जुगां दे विच पै चुका है। लोकां दा गोहा कूड़ा करना, लोकां दीआं वट्टां ते धक्के खाणे, भावें कि चमियार जात नूं अत दर्जे दी नीवी जलालत वाली जात किया जांदा है। ऐसियां मुश्किलां विच घिरे नीवे लोग तगड़ियां दी जुत्ती दे थले लग के उन्हां नूं जिंदगी गुजारनी पैंदी सी। संत राम उदासी अपनियां अखां दे नाल वेंदा रहा। जिहड़े लोग चमड़े दा कम करदे सन उन्हां नूं कच्चा माल मुफ्त ना मिलण करके वह आर्थिक विकास वल नहीं सन वध रहे। बहुत ज़्यादा संकट वड्डी विपता जिन्हां नूं उदासी ने अपने जीवन दे विच वेखिया और उन्हूं मुड़ के कलम बंद कर दिता। संत राम उदासी घोर गरीबी विच उन्हें मशक्कत भरे जीवन विच भी पढ़ाई जारी रखी। होर उस समय जिहड़े गरीब लोकां दे मुंडे सन उन्हां लई सिर्फ सीरी रलण तों सिवा होर कोई धंधा नहीं सी। सोचिया भी नहीं सी जा सकता कि नीवी जात विच जन्म लैण वाला कदे तरक्की कर सकेगा, कदे अगे वध सकेगा। संत राम उदासी नूं आज़ादी दे उपरंत होए विद्यक पसार दा सदका कहिंदे पढ़न दा मौका मिल गया। इन्हां समाजिक आर्थिक हालातां अते गुंझलदार अलचियां पलचियां दे विच्चों संत राम उदासी लंघदा रहा। उहदा अनुभव होर भी वड्डा हुंदा गया। उहनूं अखां खोलण तों लै के अंतली घड़ी तक यह जाति कोड़ दा वितकरा हंडाउणा पिया। संत राम उदासी दे मन उत्ते कहिंदे जाति वितकरियां दा बहुत वड्डा ते डूंघा प्रभाव सी। संत राम उदासी एक ऐसा नां है जिन्हें जिंदगी विच घोर मशक्कत कीती। कहिंदे एक हरी जन नामधारी ने गौरमेंट स्कूलता तों प्रभावित हो के अपने हुण दे पिंड संत नगर आ के नामधारियां नाल ड्रामा खेडण दा शौक दसिया। 1964 तों लै के 1968 दौरान
उसने मार्कस लैलन गोरकी ल्यू तालस्ताय वर्गे होर महान राइटर पढ़िए रशियन साहित दा उन्हें पुज के अध्ययन किया। संत राम उदासी के मन उत्ते 1967 वाली नक्सलबाड़ी लहर का बहुत वड्डा प्रभाव सी। उहदे रोम रोम ने उस चीज़ का असर कबूलिया। वो समर्पित हो गया देश की मिट्टी नू। वो गल करन लगा गरीबां दी। उहदे बोल क्रांतिकारी सन। वो खाड़कू लोकां वाला जज्बा रखदा सी। 13 अगस्त 1971 नू साहित सभा नकोदर वल्लों पंजाब पद्धर दा इक कवि दरबार कराया गया, जिस विच संत राम उदासी नू अचेचे तौर उत्ते उस विच शमूलियत करन दा सद्दा दिता गया। संत राम उदासी दे शब्द उहदी आवाज़ दा कहिंदे जादू वर्गा असर सी। उहदियां कवितावां लोकां दी जबान उत्ते सरसरी तौर उत्ते भी सुनिया जाण लगियां। 1965 दे दौर तों बाद संत राम उदासी ने अपनी समाजिक राजसी सूझ राही यह अनुभव कर लिया कि भारत अंदर काम कर रही अखौती कम्युनिस्ट पार्टियां समाजिक तब्दीली की जामनी नहीं भर दियां। अपने लोगों की मुक्ति दे आजादी दे सुपने वेखन का चाहवान संत राम उदासी कहिंदे नक्सलबाड़ी लोक युद्ध का एक दृढ़ सिपाही बन गया। संत राम उदासी का जीवन किन्ने विशाल कन्वेंस विच फैलिया होया है। लोक मुक्ति दे जुझारू सिपाहियां नू जिथे हकूमत ने शरीरक तौर उत्ते अपने जुल्मां दा शिकार बनाया उत्थे उस नू होर मानसिक तसीहे भी दिते गए। दलित परिवार दे होण कारण उदासी कोल रोजी रोटी दा इक्को वसीला सी। उह स्कूली मुलाजमत करदा रहा जिस राही उह अपना ते अपने परिवार दा ढिड भरदा सी। वह उच्च कोटि का कवि और वह खाड़कू सिपाही और अत दर्जे का जिम्मेवार इंसान सी। संत राम उदासी ने अपने जीवन विच हकूमत वालों दिते गए असहे दुखों नूं भी जरिया है। उहदियां गिरफ्तारियां होईयां, उन्हें सजावां कटियां, उन्हें जुल्म चलिया। याद रखो इनकलाबी लोगों के हिस्से आउंदा है, उन्हां नूं कैदां भी भुगतनियां पैंदियां है और सजावां भी कटनियां पैंदियां। संत राम उदासी की गिरफ्तारी 11 जनवरी 1971 नूं होई। उन्हूं बहादुर सिंह वाला दी स्पैशल स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। उदासी भावें पास वांग शहीद हो के ध्रुव तारे वांग तां नहीं चमक सकिया, पर समें दा सच है कि संत राम उदासी दा संघर्ष भी लोगों के दिलों विच है। उहदी कुरबानी का सत्कार है लोगों के मन में। क्यामत तक संत राम उदासी के लिखे बोल अमर रहेंगे। समा लंघता गया। सन 1979 विच संत राम उदासी इंडियन पीपलज एसोसीएशन के सदे के उत्ते कहिंदे आए कनेडा चलिया गया। इस फेरी के दौरान कनेडा सूबे के ब्रिटिश कोलंबिया के वक् वक् शहरों के विच उन्हें अपना प्रोग्राम दिता। इस ही समय इपाना ने संत राम उदासी के गीतों का एक रिकॉर्ड तैयार करवाया अते उहदा नाम रखिया गया संत राम उदासी के गीत। इस रिकॉर्ड के कवर उत्ते कुछ शब्द लिखे सन जिहड़े संत राम उदासी की किन्नी कदर सी उहनूं सिद्ध करदे है। उहदे उत्ते लिखिया सी संत राम उदासी लोगों का आदमी ते लोक कवि है। उहदा जन्म एक बेजमीने दलित परिवार के घर विच होया। भारतीय लोगों दीआं इनकलाब जदोजहदां विच सरगर्मी नाल हिस्सा लैण वाला संत राम उदासी इन्हां जदोजहदां विच अपनी कविता का भी योगदान पा गया। उसदे सियासी विचारां करके भारतीय हकूमत वल्लों उहनूं कई बार गिरफ़्तार किया गया अते उस उत्ते अन्ना तशद्दुद ढाया गया जिस कारण उहदी अखां की रोशनी चली गई। उदासी दे गीत भारतीय लोगों की जदोजहद ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ
हालातों के अते जगीरदारां सूदखोरां दे जुल्मां दी गल करदा है। अमीरां वल्लों गरीबां दी हुंदी लुट कसुट प्रति संत राम उदासी दे हिरदे विच अथा नफरत सी। गरीब दे हक विच खलोता और सूदखोरां दा उन्हें अपनी बुलंद आवाज़ और बुलंद इरादियां नाल गीत गा के विरोध किया। इन्हां गीतां दा सोमा भारतीय लोगों के सभ्याचार के नाल नाल नक्सलवाड़ी इनकलाबी घोल का भी प्रतीक है। ये गीत भारत के नवजमहूरी इनकलाब का हिस्सा हैं। ये शब्द उस रिकॉर्ड के कवर उत्ते लिखे गए जिहड़े संत राम उदासी की महानता दर्शाते हैं। जदों संत राम उदासी कनेडा में सी उस समय ब्रिटिश कोलंबिया विच खेत मजदूर यूनियन जथेबंद करन लई लहर चल रही सी। इन्हां मजदूरां विच बहुत मजदूर भारत तों आए सन। इस लहर बारे प्रसिद्ध डाकूमेंटरी फिल्म आनंद पटवर्धन ने तैयार की है। उसने अपनी फिल्म का नाम उठण वेला रखिया। कहिंदे ने संत राम उदासी दे मशहूर गीत उठण वेला दे उत्ते उह सारी फिल्म आधारित सी। इस ही फेरी दे दौरान ब्रिटिश कोलंबिया दे इक छोटे जे शहर पोर्ट अलबर्नी विच उदासी दे प्रोग्राम दी फिल्म 8 मिलीमीटर कैमरे दे नाल बनाई गई। दसनयोग गल है ये फिल्म 2014 में सामने आई। शायद संत राम उदासी दी रिकॉर्ड हुई ये एक फिल्म है जिहड़ी संत राम उदासी दी महानता और उहदी विचारधारा दा प्रतीक है। संत राम उदासी ने बड़ा कुछ लिखिया। उहदियां महान रचनावां विच्चों लहू भिज्जे बोल, चौं नुकरियां सिखां, सैनतां, कमियां दा वेड़ा ये लोगां दी जबान दे उत्ते उतरियां सन। उहदे प्रसिद्ध गीत वसीयत अधूरी स्वै गाथा ओ लैआ तंगली चिट्ठियां वंडण वालिया वर के सराफ दिल्लीए दयाला वेख कालिया कावां वे हुण तुहाडी याद विच इक शरधांजली एक ललकार मावां ठंडियां छावां चित ना डलाई बावला खोका हनेरियां दे नाम पक्का घर टोली बावला अमड़ी नूं तरला कैदी दी पत्नी दा गीत। ये महान रचनावां संत राम उदासी दियां सदा अमर रहणगियां। संत राम उदासी कैसे नमूने दा कवि सी आओ उहदी वसीयत कविता मैं तुहाडे नाल सांझी करनी चाहुंदा है। वो लिखदा है मेरी मौत ते ना रोयो मेरी सोच नूं बचायो मेरे लहू दा केसर रेते च ना रलायो मेरी जिंदगी की बस बूर सरकड़े दा आहां दा सेक काफ़ी तीली बिशक ना लायो हुणा नहीं मैं चाहुंदा सड़के सुआह केरा जद जद ढलेगा सूरज कण कण मेरा जलायो वलगण च कैद होना साडे नहीं मुआफक यारां दे वांग अर्थी मेरी सड़कां ते लजायो जीवन ते मौत आई आउंदे बड़े चुराहे जिसदा है पंध बिखड़ा उसे ही राल जायो मेरी मौत ते ना रोयो मेरी सोच नूं बचायो। याद रखो मित्रो ओ महान इनकलाबी कवि आखिर एक समा आया जदों वक्त दियां जावर सरकारां दे टेटे चढ़िया और संत राम उदासी साडे तो सदा वास्ते खुस गया। कहिंदे हजूर साहिब विखे एक कवि दरबार तों वापस आउंदियां 6 नवंबर 1986 नूं रस्ते विच रेल गड्डी दे विच्चों संत राम उदासी नूं उतारिया गया। की बनिया किथे खड़िया गया की उहदे नाल वापरिया ये कोई नहीं जानता। उस महान कवि की किरत नूं सजदा करदा हां मेरे खास मुखास और परम मित्र सरदार जगीर सिंह जी सियालका साहब। उन्होंने मैनू एक सिफारिश की सी मेरी एक कविता जिन्हों बड़ा प्यार स्रोतियां ने दिता जिहदे बोल सन तुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं। वो कहिंदे सन किते उस लय विच कोई चंगी कविता होर पेश करो। आओ इत्थे मैं तुहाडे सामने गल करनी चाहुंदा हां मां दे संदर्भ विच। एक किरत है महान क्रांतिकारी शहर संत राम उदासी दी तवज्जो फरमाउण दा यतन करना इउं बेनती कीती जा रही है जी। जुग जुग जीवे बाबुल पेके मावना
ਛਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮੌਜ ਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮੌਜ ਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਜ ਰਜ ਖੇਡੇ ਛਾਵੇਂ ਵੇੜੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਸਣ ਰੱਬਾ ਖੇੜੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਸਣ ਰੱਬਾ ਖੇੜੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਓ ਬਾਬਲ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਬਹਾਰਾਂ ਆਵਣ ਵੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਉੱਡ ਉੱਡ ਜਾਵਣ ਵੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਉੱਡ ਉੱਡ ਜਾਵਣ ਵੇ ਓ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਓ ਭੁਲੇਖਾ ਚੀਰੇ ਦਾ ਅੜੀਓ ਝੱਟ ਪਛਾਤਾ ਘੋੜਾ ਵੀਰੇ ਦਾ ਅੜੀਓ ਝੱਟ ਪਛਾਤਾ ਘੋੜਾ ਵੀਰੇ ਦਾ ਜਿਉਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਕਾਲੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਥੀ ਆਵਣ ਵੀਰੇ ਸਿਸਕ ਦੀਆਂ ਪੈਣਾ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਥੀ ਆਵਣ ਵੀਰੇ ਸਿਸਕ ਦੀਆਂ ਪੈਣਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਅੱਜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਉਣੀਆਂ ਆ ਝਿੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੀਰਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਉਣੀਆਂ ਆ ਝਿੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੀਰਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਉਣੀਆਂ ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾ ਕਾਗੇ ਉਡਾਵਾਂ ਵੇ ਤੂੰ ਲੈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ ਵੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ ਵੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਬਾਬਲ ਵੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਬਾਬਲ ਪੇਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮੌਜ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਏ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮੌਜ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਅਲਾਮਤ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਪੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਰਜ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਲੋਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਓ ਤੱਕੋ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕੋ ਬਾਜੇ ਆ ਜਾਓ ਝੂਠੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਲੇ ਲਗਾ ਛੱਡਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਛੱਡਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਚਿਮਣੀਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਲਵਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਧੂੰ ਬਣ ਕੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵੇਗ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉੜਦੇ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਰੂਹ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਸਿਲਾ ਵੀ ਤਾਰਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗ ਉਬਾਲਿਆ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਾਗ ਬਣ ਕੇ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਆਪੇ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਂਗੂ ਆਪੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਨਾ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਸਾੜ ਸੁੱਟੇ ਸੀਨਾ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਨਾ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਸਾੜ ਸੁੱਟੇ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਆਓ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਠੀ ਉਦਾਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਕੁੱਤੇ ਜਾ
ਕਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇਗੀ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਢਿੱਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਏ ਕੇ ਦੀ ਲਾਮ ਉੱਤੇ ਲਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਐਸਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਐਸਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੀਜ ਲੱਗੀ ਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੇਣਾ ਚੋਲ ਜਲਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਣਾ ਚੋਲ ਜਲਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਜਲਦੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਜਲਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਲਦੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਜਲਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਲਦੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਆਸਥਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 98 156 99 137 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ